अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि जेई मेंस में 6 से 7 ऐसे ही चैप्टर हैं मैथमेटिक्स के, जो अगर आप पढ़ लो तो आप 60 मार्क्स तक आराम से लेके आ सकते हो, एंड थोड़े से चैप्टर अगर आप और कर लो तो 90 मार्क्स तक लाने से आउट ऑफ 100 आपको कोई नहीं रोक सकता। आई माई सेल्फ स्ट्रगल्ड विद मैथमेटिक्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन माई जेई प्रेपरेशन, बट आई टुक इट ऑल द वे अप टू 92 आउट ऑफ 100 इन माई सेकंड अटेम्प्ट। इस ट्रांजिशन को आप भी लेके आ सकते हैं अपनी जेई प्रेपरेशन में, तो जानने के लिए कैसे देख लीजिए इस वीडियो को, एंड शुरू होने से पहले ही लाइक कर दो वीडियो को इफ यू वॉन्ट दैट टू हैपन टू यू टू। लेट्स गेट स्टार्टेड। Hi guys, what is up? My name is Iknoor Singh. I'm a third year undergraduate from IIT Bombay. And आज की वीडियो में हम आपकी JEE Mains Mathematics को आपके final attempt of JEE के लिए next level पे लेके जाने की कोशिश करेंगे। If you're honest to yourself and if you dedicatedly follow these points, nobody can stop you from drastically improving your JEE Mains Mathematics. Chapter-wise weightage एक बहुत important analysis है जो आप में से बहुत सारे लोगों को benefit कर सकती है। अगर आप last minute पे start कर रहे हो, अगर आप बहुत कम time में mathematics को अच्छा करना चाहते हो, so it's obviously better to focus on high weighted chapters and ऐसे chapters जो past के सारे trends follow करके NTA ensure करता है कि इनमें से ज़्यादा questions आए, and इस वजह से आपके ज़्यादा marks आएंगे अगर आप इन questions को पहले करोगे और ज़्यादा अच्छे से करोगे। ठीक है, तो बिफोर मूविंग ऑन यार, एक छोटा सा एडवाइस यही है कि JEE Mains के लिए अब आप एक अटेम्प्ट दे चुके हो, बहुत सारे लोगों के कम मार्क्स आए होंगे, बहुत सारे लोग इस टाइम पे ऐसा भी सोच रहे होंगे कि यार शायद मेरा JEE Mains इतना अच्छा नहीं जा रहा, शायद JEE इज नॉट फॉर मी। वेल, इस थॉट को आपको प्रेपरेशन के अंडर, प्रेपरेशन के स्टेज पे कभी भी अपने दिमाग में नहीं घुसने देना है। यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट। अटेम्प्ट के लिए सिर्फ 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, एंड इन 10 से 15 दिन में आप अपने इनिशियल मोटिवेशन को याद करो, आप याद करो कि आपने ये प्रेपरेशन क्यों चालू करी थी, एंड इमेजिन करो अपने आप को पोस्ट JEE लाइफ में, इमेजिन करो अपने आप को वो लाइफ में जो आपने हमेशा से ड्रीम करी थी। आंखें बंद करके IIT बॉम्बे यार व्लॉग्स देखते हो आप हमारे चैनल पे, उन व्लॉग्स से आपको मोटिवेशन मिलती होगी कि किस तरीके से आपकी भी लाइफ ऐसी हो सकती है। एंड आफ्टर दिस इन 15 दिन ऐसी मेहनत लगा दो यार कि ये 15 दिन आपको हमेशा याद आए कि हाँ, मैंने अपनी कोई मेहनत की कमी नहीं छोड़ी, मैंने अपना 100% दिया एंड आई डिड माई बेस्ट। उसके बाद जो होगा, जैसा रिजल्ट आएगा, हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हो, ऑल ऑफ अस वांट योर बेस्ट, एंड उसके बाद के डिसीजंस बाद में लेंगे, बट अभी विदाउट फोकसिंग ऑन द रिजल्ट, फोकस ऑन मेकिंग योर प्रेपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल। ऐसी ही फिजिक्स और केमिस्ट्री की अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में लिख दो। और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए है जो कि आपको एक सेफ बैकअप ऑप्शन JEE Mains के लिए देती है। सो बेनेट यूनिवर्सिटी, जिसके बीटेक प्रोग्राम को इंडिया में सेकंड बेस्ट प्लेस किया गया है, इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन है, एंड इसका जो एडमिशन टेस्ट है उसमें आपको अप टू 75% स्कॉलरशिप मिल सकती है, आपका मतलब 75% कॉलेज फीस वेव ऑफ हो जाएगी बेस्ड ऑन योर क्लास 12th मार्क्स एंड योर JEE Mains। ठीक है, तो इसको आप चेकआउट करो, इसके प्लेसमेंट्स काफी अच्छे हैं। इनका जो हाईएस्ट पैकेज है वो 1.2 CR से ज्यादा, एंड इनका जो एवरेज पैकेज है वो 11.2 लाख के अराउंड है, व्हिच इज ऑनेस्टली वेरी कॉम्पिटिटिव विद इवन टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ द कंट्री, जैसा आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे भी। तो एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भर दो यार एज अ सेफ बैकअप ऑप्शन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एंड यू कैन आल्सो कनेक्ट टू द काउंसलर्स टू फाइंड आउट अबाउट द एडमिशन प्रोसेस, एंड आपके बारे में पर्सनल कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। सो दिस इज डेफिनेटली अ वेरी गुड बैकअप ऑप्शन फॉर यू, एंड वंस यू हैव अ बैकअप इन माइंड, अगर आप JEE Mains में अपना मेंटली एक बैकअप बना चुके हो यार, तब आपको रिलैक्स करने का मौका मिलता है, एंड यू कैन फोकस ऑन योर JEE Mains अटेम्प्ट अच्छे से। ठीक है, सो वंस दैट इज डन, जैसा मैंने बोला, अपनी मोटिवेशन को याद करो JEE Mains की बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द प्रेपरेशन, एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एक सेकंड में जल्दी से स्क्रीन शेयर चालू कर देता हूँ। तो यार जैसे तुम स्क्रीन पे देख सकते हो, ये ऊपर से नीचे जो ऑर्डर जा रहा है, ये हाईएस्ट वेटेज टू लोएस्ट वेटेज है, जिसके पास्ट के 3 साल के ट्रेंड्स मैंने एनालाइज करे हैं पेपर के मैथमेटिक्स के। अगेन, इफ यू वांट अ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वीडियो ऐसी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बोल दो। बट वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, वन ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर्स, बहुत सिंपल, कई बार इसमें सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसमें अराउंड 3 क्वेश्चंस हर पेपर में देखे जाते हैं ऑन एन एवरेज। आप सोचो अगर एवरेज 3 है, तो ऐसे भी पेपर आए हुए हैं जहां 4-5 क्वेश्चन भी आए हैं इसके, एंड आई हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस such papers। ये NTA के ही papers की analysis हुई है, उससे पहले के papers की analysis नहीं हुई है, and NTA जो बंदे paper बना रहे हैं वो same ही रह रहे हैं, and काफी हद तक ये pattern देखने को मिला है। So vectors in 3D is one topic which you can focus on। Similarly, matrices and determinants, थोड़े कभी-कभी difficult question होते हैं, I agree, लेकिन फिर भी matrices and determinants का भी आपको question ऐसा मिल सकता है जो
बहुत ईजी होगा, सो यू शुड फोकस ऑन दिस एज वेल। तो ये दोनों है जिनके अप्रोक्सीमेटली 3 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज पर पेपर आते हैं। कोनिक सेक्शंस की बात करें यार, कोनिक सेक्शंस स्लाइटली डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, बट इसके 2 क्वेश्चंस, दिस इज ऑल्सो अ वेरी हाई वेटेड चैप्टर, यू कैन एक्सपेक्ट 2 क्वेश्चंस पर पेपर फ्रॉम कोनिक सेक्शंस। तो कोनिक सेक्शंस अगेन थोड़ा वास्ट है, लेकिन यू शुड नॉट स्किप इट आउट बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। बाकी बात करूं तो लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इट इज अ रिलेटिवली इजियर चैप्टर, सो यू शुड नॉट मिस दैट आउट। इंटीग्रेशन यार अगेन डिफिकल्ट एंड इजी, दोनों क्वेश्चन जरूर आते हैं इससे, बट अगेन 2 मार्क्स अगर आप हर पेपर में एक्सपेक्ट करो, सो दिस इज अगेन वन टॉपिक विच यू शुड नॉट मिस। फिर आता है सीक्वेंस एंड सीरीज। यार सीक्वेंस एंड सीरीज वेरी रेपिटेटिव क्वेश्चंस एवरी ईयर, हर बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। अगर टफ क्वेश्चंस भी उसके होते हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से किए हो, तो आप सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस को आराम से क्रैक कर सकते हैं। सो सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, अगेन एन ईजी चैप्टर जिसमें आपको बेसिक डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, किस तरीके से बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं अलग अलग सेट पे, ये सब आपको पता होना चाहिए, विच कैन ईजिली ऑल्सो ऑनेस्टली बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। बाकी प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे हो तो नथिंग लाइक इट, आई विल कम टू दैट अभी। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, अनदर इजी चैप्टर जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है बट मजेदार होता है। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स आप यूज कर सकते हो, 2 क्वेश्चंस इससे भी आए जा रहे हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के बाद यार डिफरेंशियल इक्वेशंस, बायनोमियल थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी, ये तीनों ऐसे चैप्टर्स हैं यार जो स्लाइटली कैलकुलेटिव हो सकते हैं, बट ऑल द सेम यू शुड नॉट लीव देम असाइड बिकॉज ये भी 2 क्वेश्चंस की कैटेगरी में लाए करते हैं। फाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगेन बाहर से बहुत डिफिकल्ट लगता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लेकिन बेसिक्स कई बार लग रहे होते हैं इन क्वेश्चंस में, सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ टॉपिक यू शुड नॉट मिस आउट। तो ये जितने भी आप देख रहे हो यार अपनी स्क्रीन पे टॉपिक्स ऊपर से लेकर नीचे तक, दीज आर हाई वेटेज चैप्टर्स, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके 2-2 क्वेश्चंस या उससे ज्यादा एक्सपेक्टेड हैं, हाईली एक्सपेक्टेड हैं आपके पेपर में, एंड ऊपर से नीचे आप चालू करोगे, ये तो मैंने अप्रोक्सीमेट किया है, लेकिन दिस इज एन ऑर्डर विच इज बीइंग फॉलोड। तो एक्चुअली मतलब एवरेज जो कैलकुलेट आई थी तो वो कोनिक सेक्शंस की 2.74, 2.8 ऐसे हो सकती है, तो वो उस ऑर्डर में, तो आप इसी ऑर्डर में प्रिपेयर कीजिए अगर आपके पास टाइम कम है एंड यू वांट टू फोकस ऑन हायर वेटेड चैप्टर्स, यू वांट टू स्कोर मोर। लेकिन अगर आप ये सारे चैप्टर्स कर लेते हो गाइस इन दिस लिमिटेड टाइम, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग अ लॉट ऑफ मार्क्स। अब क्वेश्चन आता है यार ये मैं कैसे करूं, इतना कम टाइम है, 15 दिन है, सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर। वेल एक डिटेल्ड वीडियो शायद मैं बनाने वाला हूंगा, लेकिन इस वीडियो में अगर आप यहां तक आए हो तो यू डिजर्व टू नो दिस। ऑनेस्टली मैं यहां पे एक गारंटी ले सकता हूं कि अगर आप 2019, 2020, 2021, 2022 ये 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, शायद आप टाइम लगा के ना कर पाओ इतने सारे पेपर्स, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन को कोशिश करो टाइम लगा के प्रॉपर पेपर की तरह करो, मैथमेटिक्स के 1 घंटा लेके बैठो, नहीं होगा पेपर पहली बार में मुझे पता है, बट आपको 1 घंटे का ही टाइम लगाना है, एंड आप मैथमेटिक्स के पेपर्स को अलग से भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको पूरे 3 घंटे का मॉक टेस्ट नहीं देना है। वंस यू डू दैट, एनालाइज वेयर डिड यू गो रॉन्ग, क्या आपने स्टेटमेंट गलत लिखी, नोट दैट डाउन, क्या आपने कोई फॉर्मूला गलत लिखा, नोट दैट डाउन, क्या आपको ये चैप्टर नहीं आता था, नोट दैट डाउन। एक A4 शीट पे आपकी सारी गलतियां लिखी होनी चाहिए जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कर रहे हो, एंड वंस दैट शीट बिकम्स बिगर एंड बिगर, 2 शीट्स, 3 शीट्स भी लग रही हैं, वो शीट्स अगर आपने बना ली, वो शीट से आपको पता चलेगा कि आप कहां गलतियां कर रहे हो प्रीवियस ईयर पेपर्स में, एंड यू विल स्लोली स्टार्ट नोटिसिंग इन 15 दिनों में आप कितना ड्रास्टिक चेंज ला सकते हो गाइस, सिर्फ और सिर्फ इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस अगर ढंग से की हो, अगर आप जान लो कि क्या बेसिक टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, यू विल सून रियलाइज कि रिपीट होते हैं क्वेश्चंस जेई मेन में, यू विल सून रियलाइज दैट यू हैव बिकम अ बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर इन मैथमेटिक्स, एंड एनटीए टेंड्स टू मेक मैथमेटिक्स वेरी रेपिटेटिव, जो कि लोगों को नहीं पता होता क्योंकि उन्होंने डीप अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस की या सॉल्यूशंस की नहीं की होती है। तो अगर आपके पास टाइम कम भी है तो एटलीस्ट यू कैन गो एंड फाइंड आउट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी पढ़ पढ़ के, अगर आप मान लो इसको लास्ट 3-4 दिन में देख रहे हो, इट इज नॉट अ वेरी फेयर और वेरी गुड प्रैक्टिस आई अंडरस्टैंड, लेकिन अगर आप लास्ट के 2-3 दिन में भी देख रहे हो तो इन चैप्टर्स के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हो सॉल्यूशंस से भी, आपको बहुत सारे आइडियाज ऑलरेडी आने लग जाएंगे, एंड कीप अ मेंटल नोट ऑफ आइडियाज ऑलवेज। मैथमेटिक्स में हमेशा मेंटल नोट लेना बहुत जरूरी होता है कि इस क्वेश्चन में ऐसी टाइप की चीज लग सकती है, इस क्वेश्चन में ऐसे टाइप की चीज लग सकती है, सो ऑल ऑफ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो वंस यू आर डन विद दैट, यू विल बी ऑन द करेक्ट पाथ टू क्रैक जेई मेंस मैथमेटिक्स टू द नेक्स्ट लेवल। इसी के साथ आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। फिजिक्स और केमिस्ट्री का अगर ऐसा डिटेल्ड एनालिसिस आपको चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट्स में, हम वो भी बना देंगे जल्दी से, एंड ट्रस्ट मी गाइस इतना ही सिंपल है मैथमेटिक्स को क्रैक करना, यही स्टेप्स मैंने कुछ फॉलो करे थे 60 से 90 प्लस लेके जाने के लिए अपने स्कोर को, एंड ट्रस्ट मी यू कैन डू इट टू, जस्ट बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड यू विल सी दिस 15 डेज कैन मेक अ ह्यूज चेंज इन योर प्रिपरेशन। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग एंड मचाते रहो, गुड बाय।